महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर अर्धनग्न होकर किया समाजवादी यूथ फ्रंटल ने प्रदर्शन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से आ रही है। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी बरेली में यूथ फ्रंटल संगठन का भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हो गया। समाजवादी पार्टी जनहित एवं जन कल्याण के मुद्दों पर सतत संघर्षरत रही है। आज देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम वस्तुओं में भाड़ा बढ़ने से अनावश्यक रूप से रोजमर्रा की जरूरतमंद वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस की कीमत बढ़ने के कारण घर की रसोई का बजट तक बिगड़ गया है। रिक्त पड़े सरकारी पदों पर नियुक्तियां ना होने के कारण प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है और युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कोविड 19 की गाइडलाइन के कारण सभी स्कूल डिग्री कॉलेज नहीं खुल रहे, उनके प्रबंध तंत्र अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में फीस माफी का वादा करके भी पूरा नहीं किया है, जिसे प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश की भावना पनप रही है। जनहित को देखते हुए समाजवादी पार्टी के चारों यूथ फ्रंटल, समाजवादी युवा जनसभा, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, समाजवादी लोहिया वाहिनी व समाजवादी छात्र सभा, आज महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर अर्धनग्न होकर उन्होंने प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अगम मौर्या ने समाजवादी यूथ फ्रंटल को हरी झंडी दिखाकर समाजवादी कार्यालय से रवाना किया और उन्होंने कलेक्ट्रेट पर जाकर अर्धनग्न होकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। समाजवादी पार्टी के गजेंद्र कुर्मी, अब्दुल कादिर, राजेश यादव, पवनेश यादव, अखिल यादव के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। बरेली से संवाददाता आरिफ शेख की खास रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक। ये कह रहा है कि जो बॉडी है जो नोटे खान जिसके बाद नहीं उसके बाद देखो सवाल।